जय शिव गुरु। घर का खाना अभी कार्ती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे से बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट बनाने के लिए हमने एक कटोरा गेहूं का आटा लिए है और बिस्किट बनाने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये गर्म पानी हमने कर लिए है। इसे अब एक बर्तन में रख लेंगे। अब गैस की फ्लेम को लो करके इसमें घी रख देंगे। तब तक घी गर्म होगा। आप कोई भी कुकिंग ऑयल में बिस्किट बना सकते हैं, हम घी में बनाएंगे। ये हमारा होममेड घी है। गैस की फ्लेम को लो करके घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब आटा तैयार कर लेते हैं। अब आटा में हम चीनी का पाउडर रखेंगे। चीनी को ग्राइंड करके ही रखेंगे। अब जितना मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को मिक्स कर देंगे आटा के साथ। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी या तेल कुछ भी रख सकते हैं। इसमें हम गर्म पानी रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी रखेंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं रखेंगे। अब आटा को हम गूंथ लेंगे। अब आटा को हम इस तरह से गूंथ लेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका वाला है, बिस्किट बनाए हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इसमें आप काजू को भी दरदरा करके रख सकते हैं। आटा हमारा गुथा गया है। आटा को थोड़ा हार्ड ही गूंथेंगे इस तरह से। अब इसका छोटा छोटा लोई बना लेंगे। इतना छोटा छोटा लोई बना लेंगे, इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। इस तरह से हथेली से बिस्किट को फैला देंगे इस तरह से। इसे और पतला अगर करना चाहते हैं तो और पतला कर दीजिए, या फिर इतना ही रहने दीजिए। अब इस पे डिजाइन बना देंगे फूक से। इस तरह से बाकी बिस्किट भी बना लेंगे। इसमें ढक्कन से डिजाइन बना देंगे, जैसे मॉम मैजिक बिस्किट पे रहता है ना, उस तरह से। आप बिस्किट के ऊपर अपने पसंद से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अब बिस्किट को हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम तलने के लिए बिस्किट को रख देंगे और गैस के फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। बिस्किट को सिकने में 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता है। एकदम गैस के फ्लेम को लो करके सेकेंगे तो पूरा अच्छा से सिका जाएगा। अब दोनों साइड से पलट कर बिस्किट को सेक लेंगे, पूरा अच्छा से ब्राउन कलर होने देंगे। बिस्किट को हाई फ्लेम पर नहीं सेकिएगा, नहीं तो बिस्किट जैसे नहीं बन पाएगा। अब दोनों साइड से अच्छा से बिस्किट को सेकने देंगे। तब तक बाकी आटा का भी इस तरह से बिस्किट बना लेंगे। बिस्किट हमारा सेका रहा है, तब तक ये बचे हुए आटा का भी बिस्किट बना लेंगे। अब बिस्किट ये सेका गया है, दोनों साइड से पूरा अच्छा से सेका गया है। अब एक एक करके निकाल लेंगे। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ये बिस्किट जैसे हो जाता है, अभी थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। बिस्किट हमारा बन गया है, बाकी बिस्किट को भी हम इसी तरह से छान लेंगे। ये बिस्किट का डिजाइन है, बच्चे लोग अपने पसंद से बनाए हैं। अब ये बिस्किट सबको भी छान लेंगे। अब बिस्किट हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही कम सामग्री से, होममेड सामग्री से ही हम बिस्किट बनाए हैं, एकदम सिंपल और आसान तरीका से। ये बहुत टेस्टी बिस्किट बना है। आप इस तरह से बिस्किट को स्टोर भी करके रख सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये होममेड सामग्री से बना है, इसमें कोई केमिकल भी नहीं है। और अलग तरह के बिस्किट हम बनाएंगे, उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो की रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। खस्ता बनाए।